करौली जिले में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जिला अस्पताल बैठन जाकर मरीजों को फल वितरण किया गया, साथ ही विद्यानगर एनटीपीसी हॉस्पिटल जाकर ब्लड डोनेट कराया गया एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हुए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु की कामना की। कार्यक्रम में उपस्थित रहे सांसद रीति पाठक, सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, महापौर प्रेमवती खैरवाड़, नगर निगम अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, बंटी गर्ग एवं तमाम भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल रहे। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि उनका जन्मदिवस हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो सेवा सप्ताह में हम लोग 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जनता के बीच में जाकर के अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। उसमें हम लोग 14 सितंबर से जो प्रारंभ किए उसमें जगह जगह सुंदर पाठ का आयोजन प्रत्येक मंडल स्तर पर और स्वच्छता अभियान, पर्यावरण पर वृक्षारोपण और आज उसके तहत जो है जिला अस्पताल में जाकर के हम सबों ने मरीजों को देखा, उनकी बातें सुना है और उनको जो है फल वितरित किया है। उसी के तहत आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों के द्वारा एक ब्लड डोनेशन जो कि यहाँ के रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ब्लड बैंक का आयोजित है उसमें हम सबों ने अभी ब्लड देने का कार्य किया है। आने वाले समय में चूँकि भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे घंटानाद आंदोलन जो संपन्न कराई थी और उस घंटानाद आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर प्रत्येक सब डिवीजन पर हम लोग SDM कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं जो कि लगभग 20 तारीख को हम लोग तय करने जा रहे हैं और 20 तारीख को हम समस्त सब डिवीजन स्तर पर जाकर के उसमें जहाँ जहाँ SDM कार्यालय है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों को जो किसानों के साथ ठगापन हुआ है, किसान लोग जो हैं अपने आप में बहुत व्यथित हैं, उनके कर्ज माफ़ी को लेकर के समस्या हो या उनके किसी भी तरह के फसल नुकसानी का या बीमा योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलने थे वो लाभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, उसके तहत हम लोग जो है प्रत्येक SDM कार्यालय का घेराव करेंगे।